दोस्तों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के साथ चल रहे T20I सीरीज में न्यूजीलैंड को 5-0 से हरा करके एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब इंडियन टीम की बारी है वनडे में अच्छे प्रदर्शन करने की। तो दोस्तों इस कड़ी में आज के इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले ODI मुकाबले का फाइनल प्लेइंग 11 जो है वो आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये बताएंगे कि कितने तारीख को यह मैच होगा, टाइमिंग क्या रहने वाली है, मैच की कौन से वेन्यू पर खेले जाने वाला है। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखते रहिए हमेशा की तरह बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो भारतीय क्रिकेट टीम के फैन तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता देते हैं इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 जो है वो क्या रहने वाली है। तो गाइस न्यूजीलैंड की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में आपको बता दे तो यहां पर कॉलिन मनरो जो है वो बाहर हो चुके हैं ODI सीरीज में, तो ऐसे में इनके लिए ओपनिंग करने वाले हैं मार्टिन गप्टिन और टॉम लैथम। नंबर 3 पर आएंगे कैप्टन केन विलियमसन, यानी कि इनका टॉप ऑर्डर में जो है वो मार्टिन गप्टिन, टॉम लैथम और केन विलियमसन आपको नजर आने वाले हैं। चौथे नंबर पर अनुभवी रॉस टेलर, पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर जेम्स निशाम, छठवें नंबर पर कॉलिन डी ग्रैंडहम जो कि ऑलराउंडर की भूमिका में रहने वाले हैं, सातवें नंबर पर सेंटनर, मिचेल सेंटनर रहने वाले हैं जो कि ऑलराउंडर रहने वाले हैं, आठवें नंबर पर टीम साउदी, नौवें नंबर पर स्कॉट कुगलेजिन, दसवें नंबर पर स्पिनर इसोढ़ी, वही ग्यारहवें नंबर पर हामिस बेनेट जो है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार रहने वाली है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से एक नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड के ऑल ओवर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इनके प्लेइंग 11 में गप्टिल, लैथम, विलियमसन, टेलर, निशाम, ग्रैंडहोम, सेंटनर, साउदी, कुगलेजिन सोढ़ी और हामिस बेनेट जो है वो आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 पर, यानी कि भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में आपको कौन से चेंजेस जो है वो नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन टीम के ओपनर्स के बारे में। तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं रोहित शर्मा और लोकेश राहुल। यहाँ दोस्तों रोहित शर्मा और लोकेश राहुल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आएंगे। हालांकि इंडियन टीम के पास एक बैकअप ओपनर यानी कि पृथ्वी शॉ जो है वो मौजूद है, हो सकता है कि पृथ्वी शॉ भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ जाए, ओपनिंग करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि दोस्तों अगर लोकेश राहुल जो है वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में उनको नंबर 4 पर जो है वो खिलाया जा सकता है। तो दोस्तों इंडियन टीम में मेरे अंदाज से ओपनिंग करने वाले हैं लोकेश राहुल और रोहित शर्मा। नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का खेलना तय माना जा रहा है, पांचवें नंबर पर मनीष पांडे आपको नजर आ सकते हैं, छठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा आपको नजर आ सकते हैं। दोस्तों सातवें नंबर पर आपको नवदीप सैनी नजर आने वाले हैं। हालांकि अगर इंडियन टीम 6 बॉलर्स के साथ उतरती है तो भारतीय टीम जो है वो नवदीप सैनी को कंफर्म है जो खिलाने वाली है, लेकिन अगर इंडियन टीम केवल 5 बॉलर्स के साथ उतरती है तो ऐसे में ऋषभ पंत को भी मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों आई थिंक इंडियन टीम जो है वो 6 बॉलर्स के साथ ही जाने वाली है, जहां पर 4 फास्ट बॉलर जो है वो भारतीय टीम में आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद नवदीप सैनी के बाद इस टीम में आते हैं शार्दुल ठाकुर, उसके बाद स्पिनर यजुवेंद्र चहल जिनका कि खेलना लगभग तय माना जा रहा है, और दोस्तों लास्ट में शमी और बुमराह आते हैं। तो दोस्तों एक नज़र फिर से हम डाल लेते हैं इंडियन टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर अय्यर, पांचवें नंबर पर मनीष पांडे, छठवें नंबर पर जडेजा, सातवें नंबर पर साधु ठाकुर, आठवें नंबर पर सैनी, नौवें पर चहल, दसवें पर शमी और ग्यारहवें पर बुमराह नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 फर्स्ट ODI के लिए। और दोस्तों अब हम बता देते हैं पहला ODI जो मैच है वो 5 जनवरी को खेले जाने वाला है, और यह मैच जो है वो सुबह के 7:30 बजे से इंडियन टाइम के अनुसार स्टार्ट होने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसा कि T20 मैचेज 12:30 बजे से स्टार्ट होते थे, लेकिन ODI मुकाबला जो है वो 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं यह प्लेइंग 11 वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।